दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा लंकाधिपति दशानन के अलावा हिमालय के उस प्रतापी राजा रावण की गाथा लेकर आया हूँ, जिसके सिक्के उत्तराखंड के कोटद्वार दोगड्डा के पास भेड़गांव में मिले थे। हिमाचल प्रदेश के पशुपालक गद्दी समाज जिसकी कथाएं आज भी सुनाते हैं। जब तक मैं आगे बढ़ूं, तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। कहावत है कि संसार में एक ही रावण हुआ, रावण नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। राम नाम के तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम कोई नहीं रखता है। लंकाधिपति रावण को दशाशन भी कहते हैं। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुत विधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह तंत्र, मंत्र, इंद्रजाल, सम्मोहन और तरह तरह की जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। वह बहादुर भी था। इन कारणों से सभी उससे भयभीत रहते थे। अपनी बहन सुर्पनखा के से हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए उसने जो रास्ता चुना, वह अधर्म का था। इसलिए भारत में कोई भी अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखना चाहता है। इसे कहा जाता है कि संसार में एक ही रावण हुआ। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय क्षेत्र में भी एक रावण राजा हुआ था। 1943 में कुछ मुद्राएं मिली थी और जिन पर रावण का नाम लिखा हुआ था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लंका नरेश रावण और हिमालय के रावण एक ही थे। वास्तव में दोनों ही अलग अलग थे। लंका नरेश रावण का प्राचीन साहित्य में उस लंकाधिपति के रूप में जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिसने मां सीता का हरण किया था और जिसके बाद वह भगवान राम के हाथों मारा गया था। लंकाधिपति रावण के अतिरिक्त किसी अन्य रावण नाम के नरेश का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता है। पुरातात्विक सामग्री एवं अभिलेखों में भी किसी रावण नामधारी नरेश की जानकारी नहीं मिलती है। परंतु हिमाचल प्रदेश के गद्दी पशुचारक समाज में आज तक रावण नाम रखने की प्रथा चली आ रही है। ये पशुपालक अपने प्राचीन अति शक्तिशाली नरेश रावण की गाथा को बड़े चाव से सुनाते हैं। इसी तरह उत्तराखंड के गढ़वाल में प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने राम में नंदा देवी शिखर के पद तल में तपस्या की थी। लेकिन उत्तराखंड में जिस रावण की ये गाथाएं गाई जाती है, वे लंका नरेश के। उसने अपने मौली यानी सिर को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। मान्यता है कि इसलिए उसे दशमौली कहा गया जाता है। लोक कथा के अनुसार माता सीता ने अपना दूसरा वनवास गढ़वाल में बिताया था तथा उन्होंने भू समाधि प्राप्त की थी। गढ़वाल में ही यह भू समाधि उन्होंने प्राप्त की थी। इस घटना के स्थल का नाम आज भी सितोनस्यूर चला आ रहा है। केदारखंड ग्रंथ के अनुसार रावण के अलावा भगवान राम और लक्ष्मण ने भी इस प्रदेश में तपस्या की थी। अब हिमाचल के रावण की बात करते हैं। हिमाचल में जिस रावण की गाथाएं गाई जाती हैं, वह लंकेश रावण से भिन्न था। इसी तरह रावण जो गढ़वाल में जिसकी मुद्राएं मिली थी, वह भी लंकापति रावण से अलग था। यह कह सकते हैं कि रावण नाम के ये राजा हिमाचल में हुए थे और एक राजा अवश्य गढ़वाल में हुआ था। गढ़वाल में रावण की जो मुद्राएं मिली थी, अब उसके बारे में विस्तार से आपको बताता हूं। हिमालयी क्षेत्र में राज करने वाले राजाओं की चलाई मुद्राएं मिलती रहती हैं। कुलिंद और सभी राजाओं की इसमें मुद्राएं शामिल होती हैं। उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल में ऐसे कई राजा मिलते हैं जिनका प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन उनके नाम की मुद्राएं मिलती हैं। इनमें रावण, भानु और छत्तेश्वर प्रमुख हैं। अब मैं उन मुद्राओं की बात कर रहा हूं जो कोटद्वार से आगे दुगड्डा के पास के गांव भैरगांव में 1943 में मिली थी। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाचारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद का इतिहास में लिखते हैं कि ये मुद्राएं गांव के पास एक गुफा के पास एक मृतिका में मिली थी। लगभग 500-600 ताम्र मुद्राएं तीन बालकों को खेलते हुए एक चट्टान की ओट में बनी गुफा में मिली थी। तीनों बच्चे मुद्राओं को घर ले गए और तीनों ने उनको आपस में बांट दिया था।
भैरगांव का एक युवक राम सिंह कोर्ट ऑफ वार्ड्स कार्यालय प्रयागराज में नौकरी करता था। उसने इनमें से कुछ मुद्राएं ले जाकर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के स्पेशल मैनेजर जनीश्वर मित्र दास को दी थी। बाद में 1956 में प्रयागराज संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर सतीश चंद्र काला ने जिनेश्वर दास के मुद्रा संग्रहालय में उन मुद्राओं को देखा। डॉक्टर काला को इन मुद्राओं में से केवल 119 ताम्र मुद्राएं देखने को मिली, जिनमें राजा भानु की 25 तथा रावण की 15 मुद्राएं थी। 56 मुद्राओं पर षडानन कार्तिकेय रथ तथा 21 मुद्राओं के अग्रभाग पर त्रिशूलधारी शिव एवं पृष्ठभाग में सुमेर तथा नंदीपात और अन्य अंकन थे। डॉक्टर कॉलर ने बाद में इन मुद्राओं को लेकर अध्ययन भी किया था। कई साल बाद डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण को उनके एक शिष्य ने भैरगांव की एक मुद्रा दी। उसके बाद डॉक्टर डबराल उन मुद्राओं को ढूंढने के लिए भैरगांव गए। वहां पता चला कि भूत प्रेत के भय से लोगों ने उन मुद्राओं को कई वर्ष पहले ही पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इस कारण हिमालय क्षेत्र के राजा रावण को लेकर शोध कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। उत्तराखंड के रावण के बारे में इससे बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के चंबा कांगड़ा के गद्दी समाज में प्रचलित कथाओं के अनुसार रावण महान पराक्रमी नरेश था। हालांकि प्रमाणिक सामग्री के अभाव में इन प्रश्नों का उत्तर मिल पाना मुश्किल है कि उत्तराखंड या पूरे हिमालय का राजा रावण एक ही था या कई रावण थे या उनका शासन कब था। हिमाचल के गद्दी लोग आज भी अपने बच्चों के नाम रावण रखते हैं। वे अपनी गाथाओं में रावण के नाम को गाते हैं। इसका मतलब रावण नाम का कोई राजा अवश्य था। वैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी रावण नाम के राजा हुए हैं। आदिवासी गोंडवाना समाज जो कि मध्य भारत में है, उनमें भी एक राजा रावण नाम का हुआ था। वहां रावे ने एक शब्द है और उसके कई अर्थ हैं। इसी तरह और भी कई जगह रावण नाम के राजाओं के उदाहरण मिलते हैं। रावण लंकेश जो कि सारस्वत ब्राह्मण था, पुलित्स्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र था। वह भगवान शिव का भक्त, महान राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। उसकी माता का नाम कैकस था जो कि राक्षस कुल की थी, इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी रावण को राक्षस कहा जाता है। वह अपनी माँ की तरफ से राक्षस जाति का था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जोधपुर में ब्राह्मण समाज के दो धड़े खुद को रावण का वंशज साबित करने की होड़ में शामिल हैं। जोधपुर में बाकायदा रावण का मंदिर है और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना होती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बिसरख गांव को लेकर कहा जाता है कि त्रेता युग में इस गांव में ऋषि विश्रवा का जन्म हुआ था और इसी गांव में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्हीं के घर रावण का जन्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी रावण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया था। अमरावती के गढ़चिरौली नामक स्थान पर आदिवासी समुदाय भी रावण की पूजा करता है। यह भी मान्यता है कि रावण की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में है। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार रावण का सरनेम मड़ावी था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण की पूजा होती है। रावण की वह ससुराल है। मंदसौर को मंदोदरी का मायका माना जाता है और वहां भी लोग रावण की पूजा करते हैं। परंतु रावण जो हिमालय के में राजा हुए, उनकी कहानियां अधूरी रहेगी, उन पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ। और भारत के जितने भी शोधकर्ता या जो इतिहासकर्ता थे, वे मुगलों के ही खून खराबे की शोध करते रहे, उन पर ही किताबें लिखते रहे, उन पर अपनी कलमें लिखते रहे, चाहे वह जेएनयू के महापंडित कहे जाने वाले जो लोग थे इतिहासकार, उन्होंने भी इन रावणों के बारे में कोई भी शोध करने की कोशिश नहीं की, पहल तक नहीं की। तो दोस्तों, यह थी उस रावण की गाथा जो लंकेश कहा जाता है, और इसके अलावा उन रावणों की कथा जो उत्तराखंड में भी हुई, हिमाचल में हुई और देश के अन्य भागों में भी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग
हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही दिखाए और इसी चैनल में। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।